Don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. So guys, ये वो बॉक्स है जो मेरे को सेंड करा है क्यूब मार्ट ने, एंड इसी के अंदर ही हमारे स्पीकर्स। बात करूं मैं इस बॉक्स की पैकेजिंग की, पूरे में टेपिंग वगैरह हो रखी है, काफी अच्छे से पैक करके भेजा है। तो चलो एक बार कर लेते हैं हम इसको अनबॉक्स और अंदर से निकाल लेते हैं हमारे स्पीकर्स। तो गाइस, बॉक्स ओपन करते ही हमें सबसे पहले हमें मिल जाते हैं दो तीन स्टिकर्स, क्यूब मार्ट के ऑफिशियल स्टिकर्स। और गाइस, नीचे इनकी डिटेल्स, इनकी वेबसाइट एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो सब कुछ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा सारी चीज़ें। अगर आप लोगों को कुछ भी परचेज करना हो, आप वहाँ से जाके इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, बॉक्स में हमें बहुत ही अच्छे से बबल रैप में मिलता है हमारे स्पीकर्स का बॉक्स। तो चलिए एक बार इसको भी रखते हैं हम साइड में और देख लेते हैं और क्या मिलता है हमें इस बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे हमें एक मिलता है गियरिंग रेडी टू रेस, जिस पे लिखा हुआ है और पीछे की साइड एक्यूब मार्ट की ब्रांडिंग है। तो इसको मैं डेफिनेटली अपनी स्कूटी की चाबी में जरूर लगाने वाला हूँ। सो गाइस, जो लास्ट चीज हमें बॉक्स में मिलती है वो है ये पेपर। आई गेस ये जो हमारे स्पीकर्स है उसकी मैनुअल टाइप्स में कुछ होगी। तो चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। तो यहाँ पे गाइज लिखा हुआ है मोटरसाइकिल MP3 इंस्ट्रक्शंस, तो इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस है, कनेक्शंस है, और गाइज जो हमारे स्पीकर्स हैं उनके बारे में डिटेल्स दी हुई है, वारंटी वगैरह वाली, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज एक बार इन सब चीज़ों को हम लोग हटा लेते हैं एंड मेन हमारे स्पीकर्स वाला बॉक्स हम लोग ओपन कर लेते हैं। सो गाइज, बॉक्स ओपन करते ही काफ़ी कलरफुल सी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए एक एक करके मैं सारी चीज़ों को बाहर निकालता हूँ एंड बताता हूँ कि किस चीज़ का क्या काम रहने वाला है हमारे इस पूरे सेटअप में। सो गाइस, सबसे पहले ये जी ये है, आप ये कह सकते हो ये इन स्पीकर्स का पूरा ब्रेन टाइप है, क्योंकि गाइस यही पूरी मेन यूनिट है जिससे हमारे स्पीकर्स वगैरह सब कुछ कंट्रोल होंगे। एंड गाइस, अगर इसके मटेरियल की बात करूँ तो ये आई गेस कास्ट एल्यूमिनियम का बना हुआ है, तो ऐसे कोई ब्रेकेज का इशू नहीं रहने वाला है। एंड गाइस, फिक्सिंग के लिए हम लोग स्क्रूज यूज करेंगे तो ये कहीं भी नहीं जाने वाला है। इसी के साथ गाइस हमें अटैच मिलता है हमारा रिमोट, जिससे हम लोग ऑन ऑफ करेंगे हमारे स्पीकर्स को। एंड यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन का बटन दिया गया है एंड मोड भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड या फिर ब्लूटूथ से इन स्पीकर्स को कंट्रोल कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट हमें मिल जाते हैं हमारे सारे कनेक्टिंग वायर्स। बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमें एक्सटर्नल कोई भी वायर यूज नहीं करनी पड़ेगी, सारे हमारे सॉकेट्स इसमें ऑलरेडी गिवन है, हमें प्लग टू प्लग कनेक्शन करना है बस। नेक्स्ट गाइस, बॉक्स में यहाँ पे हमें मिल जाते हैं कुछ ब्रैकेट्स एंड स्क्रूज। सो नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे हमें मिल जाते हैं हमारे दोनों स्पीकर्स, काफी अच्छे से पॉलिथीन में रैप नहीं है, तो चलो एक बार इनको भी हटा के देख लेते हैं। सो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चेरी रेड कलर है। एंड गाइस, बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं स्पीकर्स, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूँ वायरिंग की, तो ऐसा नहीं है कि बहुत हल्की वायरिंग, वो काफी अच्छी वायरिंग गिवन है। गाइस, अगर मैं बात करूँ स्पीकर्स के वेट की, तो ऐसा कुछ ज्यादा वेट नहीं है इनमें, काफी लाइट वेट है। सो गाइस, स्पीकर्स के पीछे यहाँ पे हमें होल्स मिलते हैं, उसी के अंदर हमें अपना ब्रैकेट जो है वो इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैं एक बार फटाफट दोनों ही स्पीकर्स के अंदर ये ब्रैकेट्स जो हमें पहले से ही बॉक्स में प्रोवाइडेड थे उनको लगा लेता हूँ। और गाइस, जो प्लेस मैंने चूज करा है वो फ्रंट में चूज करा है स्पीकर्स को इंस्टॉल करने का। आप चाहें तो आप बैटरी के पास इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें बूट में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, एक बार मैं ब्रैकेट्स लगा लेता हूँ इन स्पीकर में, फिर मैं बताऊंगा आपको आगे का प्रोसेस। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों ही ब्रैकेट्स अच्छे से इंस्टॉल कर ली हैं एंड बहुत स्टर्डी हैं, कहीं नहीं जाने वाले। तो गाइस, अब मैं एक बार मार्किंग कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें होल करना पड़ेगा। तो गाइस, आपको जो भी प्लेस अच्छा लगे आप उस पर इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं फ्रंट में इनको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस, अब जो हमारा स्कूटी का फ्रंट का ब्लैक पार्ट है मैं उसके अंदर होल कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू आवर स्पीकर्स। सो गाइस, होल करने के बाद जो हमारे स्पीकर के अंदर फीमेल कपलर हमें मिला था मैंने उसको अंदर डाल दिया एंड पूरे वायर को अंदर हम डाल देंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं स्क्रू का यूज कर रहा हूँ ऊपर की साइड जो हमारा क्लैंप था उसको फिक्स करने के लिए।
एंड गाइस अब आप लोग देख सकते हैं मैंने स्क्रू लगा दिया है एंड काफ़ी अच्छे से ये हो चुके हैं इंस्टॉल। एंड अब सेम प्रोसेस से हम दूसरी साइड भी हमारा दूसरे वाला स्पीकर कर लेंगे इंस्टॉल। सो गाइस दोनों स्पीकर अब हमने लगा दिए हैं एंड जो अब हमारी मेन हेड यूनिट थी उसको हम लोग करेंगे इंस्टॉल। तो यहाँ पे गाइज मैंने एक स्क्रू से पहले ये जो मेन यूनिट थी हमारी उसको वहीं पर ही स्टेबल कर दिया है एंड अब नीचे से गाइज मैं इसमें सोल्डरिंग आयरन से होल कर रहा हूँ। सो गाइज यहाँ पे जो होल करेंगे आप लोग वो रेक्टेंगुलर शेप में करना क्योंकि जो हमारा मेन कपलर है जो इसमें इंस्टॉल होगा हेड में वो रेक्टेंगुलर शेप का है एंड जो हमारी वायर्स है 5 to 6 वायर्स इसके अंदर से पास होंगी और एक वायर के अंदर गाइज फ्यूज भी है तो इसलिए थोड़ा बड़ा छेद करें बट इतना बड़ा ना करें कि वो ऑड लगे। सो गाइज मैंने होल कर लिया है एंड अब मैं सारी वायर्स को एक करके अंदर पहुंचा रहा हूँ। फ्रंट वाला जो हेड है हम लोग उसको ओपन कर लेंगे। अब फ्रंट वाला हेड गाइज हम लोगों ने ओपन कर लिया है एंड अब कनेक्शंस में आप लोगों को बता देता हूँ। मेन जितनी भी हमारी कनेक्टिंग वायर्स थी उसके अंदर दो कपलर मिलेंगे हमें मेल वाले, उनको हमें एक एक स्पीकर्स के साथ कनेक्ट करना है वो बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। मेन जो हमारी हेड यूनिट से वायर्स आ रही हैं उसमें एक रेड वायर मिलेगी और एक ब्लैक वायर मिलेगी तो वो हमारे कनेक्ट होंगे बैटरी से। सो गाइज जो हमारी दो ब्लू वायर्स बचेंगी उसमें से गाइज एक है हमारा एंटीना जो हमारे रिमोट से सिग्नल्स को कैच करेगा एंड एक हमारी ग्राउंड है तो कहीं पर भी अगर आप लोग नहीं लगाते हैं उनको कनेक्ट नहीं करते हैं तो ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा, मैं भी कोई कनेक्शन नहीं कर रहा हूँ उनका। सो गाइज अब मैं एक बार आप लोगों को रिमोट की फंक्शनिंग बता देता हूँ। ऊपर जो हमारा रेड बटन है उससे हमारे स्पीकर्स ऑन एंड ऑफ होंगे। लेफ्ट साइड में जो हमारा बटन है उससे हम लोग गाइज मोड्स चेंज करेंगे ब्लूटूथ एसडी कार्ड या फिर पेन ड्राइव। राइट की साइड गाइज दो छोटे बटन मिलते हैं उससे हम लोग ट्रैक चेंज कर सकते हैं और वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। सो गाइज चलिए अब एक बार हम लोग इसका एंटी थेफ्ट वाला जो फीचर है उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो हमारे स्पीकर्स होंगे उसको लॉक करना होगा। लॉक जब हम लोग करेंगे तो एक बार ट्विंग की आवाज आएगी और जब अनलॉक होगा तो वो दो बार ट्विंग करेगा। तो चलिए एक बार कर लेते हैं इसको भी चेक। सो गाइज अब हम लोगों ने फीचर एक्टिव कर दिया है, हमारा लॉक है स्पीकर्स। एंड गाइज अब मैं जाके एक बार स्कूटी को हिलाऊंगा। गाइज रिमोट से ही बाद में हम लोगों को उसे बंद भी करना होगा। सो गाइज अब एक बार चलते हैं राइड पे एंड मैं दिखा देता हूँ कि चलती हुई स्कूटी में कितनी आवाज आती है इन स्पीकर्स की। So guys, इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना गाइस, सब्सक्राइब करना चैनल को